पैंसठ छिहत्तर इकहत्तर। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ लेते हुए बड़ा सवाल सबके जहन में यही, गृह मंत्री ही बने रहेंगे या मंत्री पद बदला भी जा सकता है? आपको ये याद रखना होगा 2014 से 2019 के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और पोर्टफोलियो बदल दिए गए थे। प्रदीप, नहीं मुझे नहीं लग रहा, फिर कह रहा हूं मैं, ये चार जो CCS के पद हैं, जो लोग हैं उन पर, उनमें कोई जस के तस रहेंगे, न तो मतलब उनके विभाग बदलेंगे और न तो नाम बदले। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसमें जयराम गडकरी फॉरेन मिनिस्टर है, उसके बारे में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, पर मेरे को सहमति लग रही है कि इसमें बदलाव नहीं होगा, परंतु